नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं सीएसएमई न्यूज। शिक्षक किसी भी शिक्षण संस्थान की धरोहर होते हैं। ऐसे पूर्व शिक्षक जो सर्विस के बाद साहित्य के सृजक बन जाते हैं, वे किसी भी विश्वविद्यालय और उसके विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा के स्रोत और मार्गदर्शक होते हैं। ये कहना है छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक का। प्रोफेसर पाठक अकेडमिक हॉल में विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एमपी सिन्हा की दो पुस्तकों के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के एकेडमिक हॉल में हुए समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने विश्वविद्यालय के ही पूर्व प्रोफेसर और सुविख्यात लेखक एमपी सिन्हा की दो कृतियों का लोकार्पण किया। काव्य संग्रह पगडंडियां और विश्वविद्यालय के सफरनामे का दस्तावेज बीच से बरगद को समाज को समर्पित किया। इस मौके पर समारोह की अध्यक्षता करते हुए पूर्व प्रोफेसर जीवन शुक्ल ने प्रोफेसर एमपी सिन्हा को लेकर अपने संस्मरण सुनाए। समारोह में विशिष्ट अतिथि और विवेकानंद ग्रामोद्योग पीजी कॉलेज दिबियापुर के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर डीपी सिंह ने डॉक्टर जीवन शुक्ल पर लिखी पुस्तक एक शिखर और को मुख्य अतिथि माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को भेंट की। समारोह का संचालन विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर संजय स्वर्णकार ने किया और साहित्यकार मनोज शुक्ल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह में कुल सचिव डॉक्टर अनिल यादव और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंजनी मिश्र समेत बड़ी संख्या में साहित्यकार, विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सीएसजीएमयू न्यूज, कानपुर।